सीपीयू को कैसे डिसेंबल करें ये हम इस वीडियो में बताएंगे। ये हमारा सीपीयू है, इसको मैंने ओपन करने के लिए लेटा दिया है और इसका जो है ढक्कन को ओपन कर लिया। देन इसके ऊपर देखिए अब एक मदरबोर्ड है जिसके ऊपर एक फैन लगा है, इसके अंदर एक सीपीयू है, ये हमारा वाईफाई कार्ड लगा हुआ है और इसके राइट साइड में देखिए आप दो रैम लगी हुई है और एक हार्ड डिस्क लगी हुई है और ये साटा केबल है और ये फैन की केबल लगी हुई है। ये सीमोस बेल्ट है नीचे और ये हमारा पावर सप्लाई है जो कि जर्मनी का लगा हुआ है इंटेक्स। इस केबल को मैंने निकाला है, यह है पावर सप्लाई की केबल जो हमारे बोर्ड को सप्लाई कर रही है, ये भी पावर सप्लाई केबल है, ये हमारे बोर्ड पे जो है पावर सप्लाई करती है। अब हम निकालेंगे साटा केबल जो जिसको हम डेटा केबल भी कहते हैं, हमारे मदरबोर्ड से जो है पावर जाती है हमारे हार्ड डिस्क में, ये डेटा फेच करने का काम होता है। ये हमारा पावर केबल, ये हमारी यूएसबी केबल थी जो हमारे एक्सटर्नल यूएसबी पॉइंट होते हैं उसके लिए, और ये है पावर केबल और जो हमारी टी शर्ट की होती है और जो इसमें हमारे पावर ऑन करने के लिए होते हैं उसको जो हमारी लाइट मिलती है उसकी केबल है, ये ऑडियो केबल, ये सारे एक्सटर्नल के लिए। ये हमारा मदरबोर्ड, ये हमारा वाईफाई कार्ड है, ये सारे बोर्ड से लगे हुए हैं सारे हमारे कंपोनेंट हैं, जिसमें 3G का है पोर्ट, सीरियल पोर्ट है, USB का है, इथरनेट का है और ऑडियो जिसको हम UX करके बोलते हैं उसके लिए है। ये हमारा पावर का स्लॉट है, ये हमारी रैम है जिसमें 2 4-4 GB रैम लगी हुई है, इसके खोलने में जो इसके दोनों तरफ से जो कॉर्नर पे हैं इसको हमें खोलना होता है और इसको ओपन कर लेते हैं। अब है हमारा मदरबोर्ड का फैन, सीपीयू का फैन ओपन करना है, इसके लिए जो यह है बोर्ड थोड़ा पुराना है जिसमें सीपीयू जो है थोड़ा अलग टाइप का है, जो भी न्यू आते हैं सीपीयू उसमें अलग टाइप की वो लगा रहता है डिजाइन होता है सीपीयू का। यह झिल्लियाँ इसकी पिन बोलते हैं इसको, सीपीयू के पिन, उनको जो है आराम से निकालना होता है, अगर कोई भी पिन टेढ़ा या फिर टूट जाता है तो फिर हमारा सीपीयू वर्क नहीं करता है। इसको बड़ी सावधानी से निकालना होता है और लगाना होता है। यह हमारा PCI कार्ड जिसमें हम इथरनेट का एक्सटर्नल पोर्ट लगा सकते हैं या फिर सीरियल पोर्ट लगा सकते हैं। ये रैम के स्लॉट हैं, ये सारे जो है IC जो हम देख रहे हैं कैपेसिटर और IC लगी हुई है। ये सीमोस बैटरी का है जिसे हमारा टाइम जो है सेट रहेगा। ये हमारा सीपीयू का फैन का है, ये जो है ऑडियो का पॉइंट था जिस पर मैंने हार लगा था, ये है USB का पॉइंट और ये है हमारा जिसमें पावर का है और रिसेट का है। ये था हमारा सीपीयू का सारा का जो नंबर पार लगे। अब ये हमारी पावर सप्लाई जिससे हम एक बाहर से केबल लगाते हैं
हमारे पावर सप्लाई में सप्लाई जाती है, और इस सप्लाई के थ्रू हमारे बोर्ड